सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विमेन ऑफ एसेंस। और आज के वीडियो में मैं अपने किचन के काउंटर टॉप का ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक छोटा सा ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप वाला किचन है मेरा, उसके बावजूद मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से फंक्शनल बनाने की कोशिश करती हूँ। और कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करते हुए मैं इस किचन को फंक्शनल बना के रखती हूँ, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख पा रहे हैं कि ये काउंटर टॉप मैंने पूरा लगभग खाली कर लिया है। यहाँ पर कॉर्नर में मेरा मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है और इसे मैं डेली यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे इसको काउंटर टॉप पे रखना ज़रूरी है। तो ये यहीं पर रहता है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर लेफ्ट साइड वाले एरिया को मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटर में रखा हुआ है मेरा कुकटॉप, और इस कुकटॉप के लेफ्ट साइड में जो एरिया है वो एक एरिया है और इसके जो राइट साइड में ये एक दूसरा एरिया है। तो इस तरह से ये काउंटर टॉप मेरा दो एरियाज़ में डिवाइड हो गया है। तो इसके लेफ्ट साइड के एरिया को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, चलिए देखते हैं। तो इस एरिया के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरह का ऑर्गेनाइज़र, और ये चकला, बेलन और तवा को होल्ड कर लेता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज़र है, काफ़ी दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अच्छा खासा यूज़फुल ऑर्गेनाइजर है आपके काउंटर टॉप के लिए। अगर आपके पास स्पेस काउंटर टॉप पे कम है तो इसे यहाँ से हैंग करने का प्रोविजन भी है। आप इसे वॉल माउंटेड तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ क्योंकि ये एरिया मेरा रोटी के लिए डेडिकेटेड है। इस तरह आप देख रहे हैं कि रोटी बनाने से रिलेटेड सारे ही आइटम्स अच्छे से स्टोर हो गए हैं। इस एरिया को मैं ऑलमोस्ट खाली ही रखती हूँ क्योंकि रोटियाँ बनाने के लिए ये यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम राइट साइड के इस पूरे काउंटर टॉप को अरेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखने वाली हूँ जो मुझे फ्रिक्वेंटली यूज़ करनी पड़ती हैं और उनके बिना काम नहीं चलता है। उन्हें मैं अपने इन कैबिनेट्स या फिर ड्रॉर्स में नहीं रख सकती हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरह का एक रोटेटेबल ट्रे, जिसे हम लेजी सूजन के नाम से जानते हैं। और ये एक छोटा सा ट्रे है, तो इसमें बहुत ही एसेंशियल चीज़ों को मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। यहाँ पर एक ये मेरा पुराना कप था, उसे भी मैं एज अ प्लांटर यहाँ पे रख देती हूँ। और इस एरिया को एक डेकोरेटिव लुक देने के लिए मैंने एक छोटे से पुराने जार में जो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था उसे यूज़ कर लिया है एज अ डेकोरेटिव आइटम। यहाँ पर मैंने कुछ फेरी लाइट्स इसके अंदर डाल दी हैं और इसे भी मैं यहीं पर रख देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, किचन में एक कॉर्नर तो ज़रूर थोड़ा सा डेकोरेटिव होना चाहिए। पीछे की चीज़ों को आपको लेना है तो इसे आसानी से आप रोटेट करके आगे से पीछे कर सकते हैं। तो अगला ऑर्गेनाइज़र जो मैं स्पून्स को होल्ड करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह का है। और इस ऑर्गेनाइज़र में एक कैप दिया हुआ है, इसकी वजह से आप अपने स्पून वगैरह रात में या किसी और दूसरे टाइम जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनसे सेफ रह सकें। इसलिए ये कैप इसका मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है। और इसके अलावा इसमें कई सारे सेक्शंस दिए गए हैं, साथ में इसको डबल लेयर में दिया गया है। और यहाँ पर कुछ जाली सी है ताकि एक्स्ट्रा पानी वगैरह है अगर चम्मच में या स्पून में तो वो निकल जाए। और इसको हम इस तरह कर सकते हैं और इसमें कई सारे सेक्शंस हैं, अलग अलग चीज़ों को आप सेपरेटली रख सकते हैं। तो इसे मैं रखने वाली हूँ इस लेजी सूजन के जस्ट बगल में, और दिन के समय मैं इस लेट को निकाल के बस इसके नीचे ऐसे प्लेस कर देती हूँ और रात में इसको मैं कवर कर देती हूँ। तो चलिए मैं इसमें अपने स्पून्स को स्टोर कर लेती हूँ। और इसके अलावा साइड्स में मैंने यहाँ पर नाइफ्स भी रख दी हैं क्योंकि उसके लिए आपको अलग से कोई भी ऑर्गेनाइज़र अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, हम स्पेस को सेव करना चाहते हैं। तो हम ऐसा ऑर्गेनाइज़र पिक करेंगे जिसमें हमारा मैक्सिमम काम हो सके। यहाँ पर मैं इसे प्लकर को भी रख देती हूँ जो मुझे यूज़ करना पड़ता है कुकिंग के दौरान। मैं अपना लाइटर भी यहीं पर प्लेस कर देती हूँ। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को मैचिंग में नहीं लेते हैं लेकिन वो फिर भी मैच कर जाती हैं हमारी चीज़ों के साथ में, और इतना अच्छा परफेक्ट ब्लेंड होता है कि वो बहुत ही खुशी देता है। और इसके बाद मैं इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके इसमें अपने फ्रेश वाटर की बॉटल्स को स्टोर करने वाली हूँ, क्योंकि काउंटर टॉप पर फ्रेश वाटर की ज़रूरत तो आपको पड़ती ही है कुकिंग के टाइम, या फिर आप पीने के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की एक स्लीक बास्केट को मैंने यूज़ किया है, आपके पास जैसा भी बास्केट हो आप यूज़ कर सकते हैं।
और इसके बाद मेरे पास एक ही पुराना ग्लास बचा हुआ था, बाकी के ग्लास टूट जाते हैं तो अक्सर कुछ कप्स या ग्लास ऐसे बचे रहते हैं, तो उसको मैंने इस तरह से एक प्लांटर की तरह यूज़ कर लिया है। किचन में थोड़ी सी ग्रीनरी होती है तो एक फ्रेश फीलिंग आती है, तो इसलिए छोटी मोटी ग्रीनरी को आपको ज़रूर अरेंज करके रखना चाहिए। इस तरह आप देख रहे हैं कि बेसिक चीज़ें मेरे काउंटर टॉप पर लग चुकी हैं, और इधर सबसे राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि मेरा है सिंक एरिया, और इस सिंक एरिया को मैंने कैसे अरेंज किया है चलिए देख लेते हैं। काउंटर टॉप के ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ जो रिकमेंड करना चाहूँगी वो है ये इस तरह की बास्केट। इसमें नीचे की तरफ एक ऐसा ट्रे दिया हुआ होता है और इसमें ड्रेनेज के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट दिया होता है। तो किचन में क्या होता है, सिंक में आप जब भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे बर्तन हो ही जाते हैं कि जिन्हें हमें वॉश करना पड़ता है, फ्रूट्स हमें वॉश करने पड़ते हैं, वेजिटेबल्स वॉश करनी पड़ती है, तो उन चीज़ों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र है, या फिर आप इसे बास्केट कह सकते हैं। तो ये एक मस्ट है प्रोडक्ट है आपके काउंटर टॉप के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी स्लीक है तो हमें फ्रंट में भी बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। जब भी मुझे वॉश करना होता है तो मैं जस्ट इसे ऐसे टर्न कर लेती हूँ और इसका सारा पानी ड्रेन होके सिंक में चला जाता है। और इसी की तरह जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे काउंटर टॉप के लिए वो है ये इस तरह का एक वॉशिंग टब। इसमें आप अपने दाल चावल वगैरह को वॉश कर सकते हैं, छोटी छोटी कोई भी आइटम को आप इसमें वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें जाली बनी हुई है, अच्छे से पानी ड्रेन हो जाता है। इसका शेप कुछ इस तरह से बना है कि आपको धोने के लिए, किसी भी चीज़ को वॉश करने के लिए परफेक्ट है, और इसको मैं हमेशा साथ में ही रखती हूँ अपने इस बास्केट के। और नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि मेरे सिंक के साइड वाले एरिया में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि मैं कोई भी सिंक से रिलेटेड एसेंशियल आइटम्स को रख सकूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर विम के और ये हैंड वॉश के कुछ ऐसे वॉल माउंटेड सोप डिस्पेंसर्स को यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर सभी अपनी एसेंशियल चीज़ों को वॉल माउंटेड ही लगाया है। यहाँ पर मैंने सिंक को क्लीन करने के लिए एक ब्रश को हैंग किया है, और इस तरफ भी मेरा एक छोटा सा वाइपर हैंग हुआ है ताकि मेरा नीचे का स्पेस बच सके। और इसके अलावा एक एसेंशियल चीज़ जो हम बोल रहे हैं वो होता है डस्टबिन। तो डस्टबिन की भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसे मैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पर मैं डस्टबिन को रख सकूँ। इसके अलावा मुझे बहुत बड़े डस्टबिन की ज़रूरत पड़ती नहीं है कि मैं उसे फ्लोर पर रखूँ, तो मैंने यहाँ पर इस तरह का एक ओवर द डोर हैंगिंग डस्टबिन यूज़ किया है। ये एक कोलैप्सिबल डस्टबिन है, इसे बड़ा भी किया जा सकता है और ज़रूरत ना होने पर आप इसे इस तरह से कोलैप्स करके हैंग कर सकते हैं। इसमें एक ऐसी स्ट्रिप दी गई है जिसकी मदद से आप इसे डोर पर हैंग कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे आसानी से निकाल के इसे गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह की नेलिंग वगैरह की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अपने किचन के लिए भी इससे कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर मिले होंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल आइडियाज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल आइडिया के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।